हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो आपकी क्लास का टाइम हो चुका है एंड सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसी चल रही है आप सभी की स्टडीज। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल धुआंधार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाइयों में जुटे होंगे एंड वॉइस क्लियर है। ऑडिबल हूं मैं ऑडिबल हूं या नहीं हूं? ओके, तो फटाफट से कमेंट करिए और बताइए मैं ऑडिबल हूं, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, एमपी जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें? शिवानी जी का एक क्वेश्चन आया है। तो एमपी जीके के लिए कोई भी फैक्चुअल बुक अगर आप ले पढ़ रहे हो, आपने ली है, सारी ही बुक्स बेहतर है, सारी ही बुक्स अच्छी हैं, है ना। फिलहाल तो अक्सर जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके पास पुनेकर की बुक रहती है, उसमें फैक्चुअल डेटा आपको मिलेगा। बाकी एक मुकेश माहेश्वरी की किताब आती है, वो थोड़ी मोटी है, बहुत सारा कंटेंट है, बट और हो सकता है कि पढ़ने के दौरान आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि उसके पेजेस जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट फिर भी आपको तो नॉलेज लेना है ना, आपको तो अपने एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर तैयार करना है। तो एक पुनेकर रख सकते हैं, एक मुकेश महेश्वरी रख सकते हैं। ओके, तो वेलकम है भाई, आप कहीं से भी आ रहे हैं या आप बिल्कुल नए हैं तैयारी में, तो आप सभी लोगों का वेलकम है, आप सभी लोगों का वेलकम है। ओके, तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज जो है हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला था, बट पिछले सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट किया था, वो था सेंसस, मध्य प्रदेश की जनगणना। मध्य प्रदेश की रिवर्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस सेशन में कोशिश करेंगे कि हम मध्य प्रदेश की रिवर्स को कंप्लीट करें एंड देन अगले सेशन में हम मध्य प्रदेश का क्लाइमेट और माउंटेन को कवर करेंगे। ओके, तो जल्दी से बताइए आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। चलो, तो आज जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं मैंने मध्य प्रदेश की रिवर्स से। मध्य प्रदेश की नदियों की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो वहीं से पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नर्मदा से ही पूछे जाते हैं। यस, अच्छा आज ही ज्वाइन किया है, बिल्कुल वेलकम है आप सभी लोगों का। और आप सब भी अपने अपने फ्रेंड्स को बता दो, ये मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ता जाएगा, अपने अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। ओके, सही चल रही है तैयारी। तो चलिए नदियों से हमारा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश की रिवर से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से बता दीजिए कि रिलीजियस बेसिस पर, धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? रिलीजियस बेसिस पर गंगा ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की गंगा किस रिवर को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? यहां पर दो चीजें हैं, एक और आगे क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल वेरी वेरी गुड, नर्मदा को कहा जाता है रिलीजियस बेसिस यानी कि धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा। इसे ही मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी इसे ही कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा अगर आता है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लिखा हुआ हो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जब नर्मदा की बात आई है तो चलो मैं नर्मदा रिवर के बारे में वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ सकती है। ओके, नहीं, पॉल्यूशन की गंगा शिप्रा नहीं है, बेतवा है। ठीक है, जो शिप्रा आप बता रहे हैं ना, शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं, मालवा की गंगा, क्लियर कर दीजिए अपने डाउट को। मालवा की गंगा है शिप्रा, मालवा की गंगा है शिप्रा, और पॉल्यूशन के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा है बेतवा, और धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा है नर्मदा। नर्मदा, ये अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ओके,
हाँ मालवा की गंगा है शिप्रा, यस। अब देखो यहाँ पर नर्मदा की बात आई है, फटाफट से नर्मदा रिवर से जुड़ी हुई जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा भाई हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर पूरे भारत की सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं। पूरे भारत की सबसे ज्यादा नदियां कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को मदरलैंड ऑफ द रिवर कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ 200 से भी ज्यादा नदियां निकलती हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हमें पूरी 200 या जितनी भी है 207 205 के आसपास जो नदियां हैं वो सारी की सारी नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है सिर्फ और सिर्फ हमें वही कंप्लीट करना है। तो पहली चीज तो याद रखना कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश के स्पेशली मध्य प्रदेश का जो ये इलाका है, मध्य प्रदेश का जो ये इलाका है और मध्य प्रदेश का जो ये इलाका है, यहां से सबसे ज्यादा रिवर्स का ओरिजिन यहीं से है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे नर्मदा की। पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है नर्मदा, है ना। और नर्मदा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अदर स्टेट्स में भी जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में भी जाती है। तो नर्मदा को केवल मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी ही नहीं बल्कि गुजरात स्टेट की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, गुजरात की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। गुजरात की भी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गुजरात की भी सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों ही स्टेट्स की जीवनदायिनी कौन सी है? नर्मदा रिवर है। 207, ठीक है, आप लोगों ने नंबर बता दिया कि टोटल 207 रिवर्स का ओरिजिन होता है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। अभी नर्मदा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है आपको मध्य प्रदेश में, यहां पर मिलेगा मैकल श्रेणी मिलेगी, मैकल रेंज मिलेगी, जो कि सतपुड़ा, अभी मैं अगले सेशन में आपको माउंटेन्स बताऊंगी और पूरा माउंटेन आपको मैं पढ़ा दूंगी, आपको जरूरत नहीं होगी उसके अलावा कुछ पढ़ने की। यहां पर ये है पूरी सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश का एक ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो सबसे पूर्वी रेंज है, जो सबसे पूर्वी यहां पर श्रेणी है, इस श्रेणी को कहा जाता है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। पूरे मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणी और बालाघाट एक ऐसे इलाके हैं जहां पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट सॉइल है ना, लैटराइट सॉइल, सॉइल की जो लेयर है वो आपको मैकल में मिल जाएगी और प्लस आपको बालाघाट में मिल जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। अब मैकल में ही आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा जिसका नाम है अनूपपुर, अनूपपुर, ठीक है। और अनूपपुर के अंदर एक बड़ी शानदार जगह है, बड़ा एक कह सकते हैं वो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। और मैकल की सबसे ऊंची चोटी है, मैकल का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है अमरकंटक। तो मैकल में आपको क्या मिलेगा? अमरकंटक मिलेगा। अमरकंटक बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है और ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं, अमरकंटक से तीन नदियों का ओरिजिन है, कौन कौन सी? पहली तो यही है जो कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, जिसे आप नर्मदा के नाम से जानते हो। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से और यहां से निकल करके ये पश्चिम की ओर बहती हुई आगे बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी नदी भी अमरकंटक से ही, बस नर्मदा जहां से निकलती है उससे कुछ ही दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है सोनमुंडा, अमरकंटक में ही है, वहां से निकलती है सोन रिवर, वहां से निकलती है सोन नदी, ठीक है। तो यहां से निकलती है सोन नदी और सोन नदी निकल करके पहले ये उत्तर की ओर बहती है और उसके बाद ये चली जाती है कहां पर? पूर्व की ओर, उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार में जाकर ये पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। और तीसरी एक नदी निकलती है जिसका नाम है जोहिला, ठीक है। जोहिला नदी निकलती है थोड़ी आगे
की ओर बहती है और फिर आगे जाके सोन में मिल जाती है, यानी जोहिला जो है वो सोन की सहायक नदी है। तो तीन प्रमुख नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा और सोन के विषय में एक छोटी सी स्टोरी बड़ी फेमस है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, आई डोंट नो वो कितनी सही है, पुराणों में ये स्टोरी मिलती है, सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पुराणों के हिसाब से जो चीजें कही गई हैं कि जो नर्मदा है वो एक नदी है, ठीक है, यानी फीमेल है, लेकिन जो सोन है वो एक नद है, यानी कि मेल है। कई सालों पहले, है ना, कई सालों पहले नर्मदा और सोन का विवाह होने वाला था, ठीक है, प्रेम संबंध थे इनके आपस में। विवाह के पहले ही किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, इस वजह से दोनों आपस में रूट जाते हैं एक दूसरे से, और रूट कर नर्मदा नदी इस ओर बह जाती है और जो सोन है वो बिल्कुल अपोजिट साइड इस ओर बह जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा गया है, मुझे नहीं पता ये बातें कितनी सच है या नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि नर्मदा यहीं से निकलती है लेकिन इस ओर बहती है, सोन यहां से निकलती है और उत्तर और फिर उसके बाद पूर्व की ओर बह जाती है, ठीक है। अब चूंकि ये जो नर्मदा नदी है ये मैकल श्रेणी से निकलती है, इसलिए नर्मदा को मैकल सुता भी कहा जाता है, मैकल सुता, यानी सुता का मतलब होता है बेटी, डॉटर, पुत्री, ठीक है। तो नर्मदा को मैकल सुता के नाम से भी जानते हैं, मैकल सुता के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रेवा के नाम से भी नर्मदा को जानते हैं। बाकी बहुत सारे इसके नाम है, बहुत से नाम है, जैसे सोमो देवी भी कहा जाता है इसे, नमोदास भी कहा जाता है, तो बहुत सारे इसके वैसे नाम है ना, और इसके उपनाम भी बहुत से हैं, जैसे गुजरात की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर में आप देखोगे कि ये जो रिवर है एक ऐसी रिवर है पूरे भारत की, हालांकि एक अकेली ऐसी नहीं है, एक और है वो मैं आगे चर्चा करूंगी। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है भारत की जो कि पूर्व से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, इस बात को भी याद रखिएगा। रिफ्ट वैली क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होता है, किसी को मालूम है क्या रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको फटाफट बता देती हूँ। ये मान लो कोई सतह है ना, जमीन है ये मान के चलो। अब इस सतह में किसी कारण की वजह से, प्लेट खिसकने की वजह से या जो मौसम की घटनाएं होती हैं उनकी वजह से, किसी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, दरार आ गया, यहाँ पे दरार आ गई और इस जगह पर दरार आ गई, ठीक है, या इस तरह से कर सकते हो, इस जगह पर दरार आ गई और इस जगह पर दरार आ गई। जब दरार आ गई तो ये वाला जो हिस्सा है ये टूट कर कहाँ चला गया, नीचे की ओर चला गया, ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये भी टूटकर नीचे की ओर चला गया। जब ये और ये हिस्सा टूट के नीचे धस गए, नीचे चले गए, तो बचा कौन सा हिस्सा, ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाएगा, लगभग ऐसा, ये और ये हिस्से जो नीचे हैं, नीचे धस गए हैं, इसे ही कहा जाता है रिफ्ट वैली, इसे ही कहते हैं रिफ्ट वैली। और ये जो बीच में ब्लॉक जैसा आपको उभार नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है ब्लॉक, इसे ही कहा जाता है ब्लॉक, ठीक है। और ऐसे जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक तरह से माउंटेन होंगे, पर्वत होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है वो धस के नीचे चला गया होगा, ठीक। आप जब यहाँ पर आओगे, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती रिवर, बैतूल के पास से निकलती है, तो ये वाला जो भी हिस्सा है ये भी धस के नीचे चला गया किसी कारण की वजह से, ठीक है। बीच का जो हिस्सा है इसमें उभार हो गया अपने आप, क्योंकि वो ठीक उसी तरह से खड़ा रहा, साइड साइड हिस्से क्या हो गया, नीचे चले गए, तो इसकी ऊंचाई बढ़ गई, ये हमें ऊंचा नजर आने लगा। इस वजह से जो ये नर्मदा जहां से बहती है इसे क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली। और पूरे इंडिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी जो रिफ्ट वैली है वो नर्मदा की वैली ही है, और दूसरी एक है मध्य प्रदेश की ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी, और ताप्ती रिवर भी रिफ्ट वैली में ही बहती है, रिफ्ट वैली में ही बहती है। अब ये दोनों और रिफ्ट वैलीज हैं, तो सीधी सी बात है बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा उठा हुआ होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा भी तो यहाँ पर होगा, तो ये जो हिस्सा बचा है इसे हमने क्या नाम दिया है, इसे हमने सतपुड़ा,
सतपुड़ा माउंटेन कहा। क्या कहा? इसे हमने सतपुड़ा माउंटेन कहा। यानी सतपुड़ा माउंटेन मध्य प्रदेश का एक ऐसा माउंटेन है जो कि ब्लॉक माउंटेन है। इसके साइड साइड में रिफ्ट वैलीज है, एक साइड इसकी जो है नर्मदा की रिफ्ट वैली है और दूसरी साइड ताप्ती की रिफ्ट वैली है। आ गई बात समझ में? नहीं नहीं, विंध्यांचल नहीं है, विंध्यांचल ब्लॉक माउंटेन नहीं है। मैं आपको अगले सेशन में विंध्यांचल के बारे में बताऊंगी, अवशिष्ट पर्वत है विंध्यांचल। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो याद रखना, नर्मदा की रिफ्ट वैली ना केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में दो ही ऐसी नदियां हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना कि उन दो नदियों के नाम बताइए जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अपने मुहाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा ना बना करके ऐश्वरी बनाती हैं, है ना। तो वो दो नदियां कौन सी हैं? एक तो है नर्मदा, नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। दूसरी है ताप्ती, दोनों ही नदियां पूर्व से निकलती है, ताप्ती यहां से निकलती है बैतूल के पास से और इस ओर बहती है, ये भी गुजरात के पास में जहां पर नर्मदा अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में, वहां पर जाकर के ये भी अपना जल गिराती है अपने मुहाने पर। मुहाना जहां पर कोई भी नदी समुद्र में जाकर मिलती है उसे उस नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो अपने मुहाने पर यह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन कई बार जा चुका है। अब फिलहाल मैं नर्मदा की बात कर रही थी, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर आपने बहुत सारे हालांकि क्वेश्चंस आपने यहां पर सॉल्व कर लिए, अगर आते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे और रीजन भी पता चल गया। अब रटने वाली चीज खत्म कर दो, रीजन भी पता चल गया कि आखिर नर्मदा रिफ्ट वैली में क्यों बहती है, रिफ्ट वैली क्या होती है और जो सतपुड़ा है ये ब्लॉक माउंटेन ही क्यों है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें नर्मदा की टोटल लेंथ की, ठीक है, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है बताइए जल्दी से, नर्मदा जो रिवर है इसकी टोटल लेंथ क्या है, इसकी कुल लंबाई क्या है? मैं टोटल लंबाई की बात कर रही हूं, टोटल लंबाई की बात कर रही हूं। क्या बनाती है? प्रियांशु ऐश्वरी बनाती है अपने मुहाने पर। ताप्ती और नर्मदा दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जैसे गंगा नदी डेल्टा बनाती है लेकिन ये डेल्टा ना बना करके ऐश्वरी बनाती हैं, ये थोड़ा तेज बहती हैं। ओके 13-12 नहीं नहीं 1312 बिल्कुल वेरी गुड। तो नर्मदा की टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है कि नर्मदा केवल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बहती, मध्य प्रदेश के अलावा ये महाराष्ट्र में भी बहती है और ये गुजरात में भी बहती है, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहती है। तो इन तीनों ही राज्यों में मिलाकर टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो केवल मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जो लेंथ है ये है 1077 किलोमीटर। सबसे ज्यादा नर्मदा की जो लेंथ है वो मध्य प्रदेश में ही है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में है और सेकंड नंबर पे गुजरात में है और सबसे कम लंबाई महाराष्ट्र के अंदर है नर्मदा रिवर की, नर्मदा नदी की। डेल्टा और ऐश्वरी में आप लोगों को डाउट हो रहा है उसे भी मैं बता देती हूं। देखो एक एग्जांपल से समझना, जैसे कोई नदी है मान के चलो, ठीक है, कोई नदी है, जब नदी बिल्कुल धीरे धीरे बहेगी, है ना, जब नदी बिल्कुल धीरे धीरे बहेगी तो अपने साथ आपको पता है नदी में बहुत सारे अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर रेत बहुत सारी मिट्टी गाद बहुत कुछ होता है। जब नदी धीरे धीरे बहेगी ना तो उन अवसादों को जो अवशिष्ट है अपने साथ लेकर के जाएगी। जब अपने साथ लेकर जाएगी तो मान लो यहां पर अब आ गया है समुद्र, समुद्र में हर नदी या तो किसी नदी की खास बात है, नदियां या तो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, या तो फिर समुद्र में जाकर मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप नर्मदा को देख लो, नर्मदा डायरेक्ट समुद्र में यानी खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसी तरह से दूसरी चंबल नदी की बात करो, दूसरी बड़ी यानी यमुना में मिल जाती है, सोन गंगा में मिल जाती है। तो नदी या तो बड़ी नदी में मिलेंगी या तो वो डायरेक्ट समुद्र में जाकर गिरेंगी, ठीक है। तो अगर नदी धीरे धीरे चल रही है तो अपने साथ रेत गाद कंकड़ पत्थर सब लेकर आएगी। यहां पर मान लो समुद्र है, अब यहां पर अपना जल जो अपना पानी है जो जल है वो गिराने वाली है, लेकिन अपने साथ वो रेत गाद भी लेकर आ रही है। तो ये जो रेत गाद है ये यहां पर जाकर के इकट्ठा होते चले जाते हैं और बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, फिर ये अपना जगह चेंज करती है और फिर दूसरी जगह पर बनाती है एक टीला, इसे डेल्टा बोलेंगे,
इसे डेल्टा बोलेंगे। लेकिन जो नदी बिल्कुल स्पीड में बहती है, जैसे रिफ्ट वैली में बहने वाली अधिकांश नदियां थोड़ी तेज बहेंगी, जब तेज बहेंगी तो ये अपने साथ ये कंकड़ पत्थर इतना ज्यादा लेकर नहीं जाएंगी, और जब अपने मुहाने पर पहुंचेंगी क्योंकि तेज है, और जब तेज से बहेंगी और जब समुद्र में गिरने वाली होंगी तो अपने मुहाने को काट देंगी, अपने मुहाने को क्या कर देंगी, काट देंगी, तो एक बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो वहां पर बन जाता है मुहाने पर, उसे एस्चुरी बोलते हैं। हाँ, उसे एस्चुरी बोला जाता है। चलो, इतनी बातें आगे समझ में। तो ये हो गई भाई नर्मदा की बात, और जो भी चीजें बची हैं वो एक एक करके कंप्लीट होती चली जाएंगी। नर्मदा में बहुत सारी, लगभग 41 नदियां आकर मिलती हैं, 41 नदियां आकर के बहती हैं, मिलती हैं नर्मदा के साथ, नर्मदा रिवर के, नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का या पूरे भारत का एक ज्योतिर्लिंग है जिसे हम ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर दो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, पहला है महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, और दूसरा है ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है। महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, और दूसरा है ओमकारेश्वर जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। उज्जैन में जो महाकालेश्वर टेम्पल है या जो ज्योतिर्लिंग है, ये शिप्रा नदी के तट पर है, शिप्रा के तट पर है, लेकिन खंडवा स्थित जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये नर्मदा रिवर के तट पर है, नर्मदा रिवर के तट पर है, और बाकी ओमकारेश्वर आदि जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं कितनी है, इस साइड से कौन कौन सी मिलती है, इस साइड से कितनी मिलती है, कौन सी मेन जो है इनकी सहायक नदी है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर ये जो नदी है ये महाराष्ट्र जाती है मध्य प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र में बस थोड़ी ही लंबाई है, उसके बाद गुजरात जाती है, गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, यानी अरब सागर में कुल मिला के, हाँ अरब सागर में ये अपना जल गिराती है। तो ये हो गई भाई नर्मदा की बात, बहुत सारी चीजें मैंने नर्मदा में बता दी। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिख रहे हो ना, जो भी आपको लगे कि हाँ ये हम पहली बार ये जानकारी सुन रहे हैं या हमको भूल जाएगा बाद में, लिखने की जरूरत है, आप उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेना। चलो, नर्मदा नदी कौन कौन से जलप्रपात बनाती है, नर्मदा जो रिवर है ये कौन कौन से वाटरफॉल्स बनाती है, बताओ, आपके सामने ऑप्शंस है। हाँ, कौन कौन से जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, कपिलधारा, दुग्धधारा, इसको दुग्धधारा ही बोलेंगे, दुग्धधारा या धुआंधार वाटरफॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, वेरी गुड। तो आपको पता है कि नर्मदा नदी कपिलधारा भी बनाती है, दुग्धधारा भी बनाती है, धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है। देखो, नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से जिस जगह पर निकलती है, जिस जगह से, बस उसके थोड़ी ही दूरी पर एक वाटरफॉल बनाती है जिसे कहा जाता है कपिलधारा, कपिलधारा। कपिलधारा की जो हाइट है वो है 24 meters, 24 मीटर किसकी हाइट है कपिलधारा की। फिर कपिलधारा से लगभग 1 kilometer आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक और वॉटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है दुग्धधारा। दुग्धधारा वाटरफॉल, ठीक है, दुग्धधारा वाटरफॉल की जो लेंथ है वो थोड़ी कम है। इस वाटरफॉल में जब पानी गिरता है ऊपर से नीचे की ओर, है ना, तो वो जो दृश्य है बिल्कुल मिल्क जैसा, बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखाई पड़ता है, इस वजह से इसका नाम दुग्धधारा किया गया है। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है, लेंथ नहीं, इसकी जो हाइट है वो है 4.6 meters। तो कपिलधारा 24 meters, दुग्धधारा 4.6 meters। फिर नर्मदा आगे बढ़ती है और अभी तक ये पहाड़ों में बह रही है और ये पहुंचती है जबलपुर के पास में, और जबलपुर के पास में पहुंचते ही ये मैदान में उतरती है, ठीक है, प्लेन में आती है, मैदान में उतरती है, अभी तक पहाड़ों में बह रही है, और जब ये मैदान में उतरती है तो एक वाटरफॉल बनाती है, एक जलप्रपात बनाती है, और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, यह है जबलपुर में, और जबलपुर में एक जगह है भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, ठीक है, तो भेड़ा घाट
भेड़ाघाट जबलपुर में, भेड़ाघाट जबलपुर में जो नर्मदा रिवर है वो एक जलप्रपात बनाती है जिसे धुआंधार कहते हैं, वहां से धुआंधार जो जलप्रपात है ना, इसमें जब जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो पूरा जो आसपास का इलाका है वो धुआं धुआं सा हो जाता है, इस वजह से इसे धुआंधार बोला जाता है। हाँ, धुआंधार बोला जाता है। फिर आगे बढ़ती, यहाँ पर तो सिर्फ तीन नाम दिए हैं, यहाँ पर धुआंधार की जो हाइट है वो है 15 मीटर यानी 15 मीटर। फिर ये नदी जो है वो और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में आपके महेश्वर के पास में, महेश्वर के भी पहले ये दो वॉटरफॉल बनाती है ना, मानधार हंडिया और बड़वा के बीच में ये दो वॉटरफॉल बनाती है, मानधार वॉटरफॉल, मानधार वॉटरफॉल और दर्दी, मानधार और दर्दी वॉटरफॉल पूछा जा सकता है किस नदी पर है, तो नर्मदा पर है। फिर ये महेश्वर पहुंचती है, महेश्वर पहुंचती है, खरगोन में है महेश्वर, और महेश्वर में बनाती है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉटरफॉल्स हैं जो कि नर्मदा रिवर पर हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार है ना, इसके अलावा मानधार, दर्दी, सहस्त्रधारा वॉटरफॉल, सहस्त्रधारा जलप्रपात। चलिए, इंपॉर्टेंट इतने ही हैं, बाकी तो छोटे छोटे बहुत से वॉटरफॉल्स होंगे, इंपॉर्टेंट इतने ही हैं। यस, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा कई बार पूछा जाता है। एक नरसिंहपुर में भी वॉटरफॉल बनाती है, 3 मीटर हाइट है उसकी, ऊंचाई है नरसिंहपुर में। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, बताओ, विच इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ नर्मदा, बताइए, तवा, ताप्ती, सोन या होतवा, सबसे प्रमुख सहायक नदी, मेन ट्रिब्यूटरी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता है कि सोन हो नहीं सकता, पहले ही हमने पढ़ लिया कि सोन तो नर्मदा से रूट गए थे और दूसरी दिशा में बहकर चले गए थे। ताप्ती हो नहीं सकता क्योंकि ताप्ती भी रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा के बिल्कुल समानांतर बहती हुई गुजरात जाती है ना। होतवा और तवा में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो मेन, जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है तवा। नर्मदा की जो सहायक नदियां है ना, मोस्टली नदियों के नाम किचन में जो भी आप आइटम्स यूज करते हो ना, जैसे तवा में रोटी बनाते हो तो तवा है ना, आप शक्कर का यूज करते हो, शक्कर भी एक नदी है जो कि नर्मदा की सहायक है, आप दूध का यूज करते हो, दूध ही भी इसकी सहायक है ना, हथिनी है, इस तरह से बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तवा जो नदी है वो नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तवा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है पचमढ़ी के पास से, पचमढ़ी के पास से इसका उद्गम होता है, पचमढ़ी से निकलती है। पचमढ़ी कहां पर है, तो पचमढ़ी है होशंगाबाद में, और होशंगाबाद को अब हम किस नाम से जानते हैं, तो होशंगाबाद को अब हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। तो नर्मदापुरम जिले से निकलती है तवा नदी, और ये है नर्मदा नदी, ठीक है, यहां से निकलती है कौन सी नदी, तवा नदी, होशंगाबाद से, होशंगाबाद से होकर हालांकि नर्मदा गुजरती है और यहां से निकलती है और नर्मदा के बाएं तट से जाकर मिलती है। नर्मदा यहां से निकल रही है, ठीक है, यहां से निकल रही है और इस तरफ जा रही है, तो इसका जो दाया साइड होगा, जो राइट साइड है ना, जो दाया तट होगा, राइट बैंक, वो ये होगा, और जो बाया तट होगा वो ये होगा। तो जो तवा है वो बाएं दिशा में, दिशा से आकर के नर्मदा से मिलती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां कितनी हैं। अब दाया तट बायां तट आपको पता चल गया ना, ये यहां से नर्मदा निकलती है और इस ओर जाती है, मान के चलो मैं यहां से है ना और इस ओर अगर बढ़ूंगी तो मेरा दाया तट, जो मेरा राइट साइड होगा वो ये होगा और मेरा जो लेफ्ट साइड होगा वो ये होगा। पूछा क्या गया है कि राइट बैंक यानी कि दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यानी इस ओर नर्मदा के कितनी नदियां आकर के मिलती हैं इस ओर से, ए बी सी या फिर डी, बताओ, 22, 21, 20 या फिर 19, दाएं तट की सहायक नदियां कितनी हैं भाई। सही आंसर तो किसी ने बताया ही नहीं, इसका
सही आंसर किसी ने भी नहीं बताया, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 19। यहाँ पर दायां तट पूछा गया है, राइट बैंक, ठीक है, दायां तट पूछा गया है, तो दाएं तट से ये है इसका दायां तट, ये है इसका दायां तट, और यहां से टोटल 19 नदियां आकर के नर्मदा से मिलती हैं। 19 नदियां इस तट से मिलती हैं और जो इसका बायां तट है इधर से टोटल 22 नदियां आकर मिलती हैं। आगे बात समझिए, यानी टोटल 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, 19 इस साइड से, 22 इस साइड से। तवा की अगर बात करेंगे तो तवा भी इस साइड से ही आकर के मिलती है, यानी बाएं तट से आकर के ही मिलती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए कि नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 19 नदियां दाएं तट से, 19 नदियां दाएं तट से, जबकि 22 नदियां बाएं तट से आकर मिलती हैं। 19 नदियां दाएं तट से जबकि 22 नदियां बाएं तट से आकर मिलती हैं। सबसे प्रमुख सहायक नदी तवा है, सबसे प्रमुख सहायक नदी तवा है, जो कि नर्मदा के बाएं तट से आकर मिलती है, बाएं तट से आकर मिलती है। जय हिंद, जय हिंद। ओके, चलो 19, 22, और तट याद रखिएगा, किसे दायां बोलेंगे, राइट बोलेंगे, किसे लेफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बताओ नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां, हालांकि सहायक नदियों के नाम ऐसा सच नहीं पूछे जाते, जो मेन है तवा, आपको वही याद रखना है, बट एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, आपको ये बताना है कि नर्मदा के दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो इनमें से कौन कौन सी हैं। दाएं तट की आपको पता है 19 नदियां आकर मिलती हैं, दाएं तट से 19 नदियां आकर मिलती हैं, इनमें से कौन कौन सी नदियां या कौन सी नदी नहीं है जो कि दाएं तट से आकर नहीं मिलती। ओके, नहीं मिलती। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार आप लोग मतलब जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाओ अपने एग्जाम में भी, तो कई सारे रूल होते हैं, रूल इन द सेंस, कई बार ना हम जब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शंस को पढ़ते हैं, और अगर हमें नहीं पता कौन सी है कौन सी नहीं है, तो अधिकतर केसेस में उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होना, अगर आप पता है तो भी मत लगा के आ जाना, लेकिन अगर कंफ्यूजन है कि नहीं हमने सुना नहीं है और एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अधिकतर केसेस में देखना उपरोक्त सभी वाले आंसर सही होते हैं, बट फिलहाल ये तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मैंने पूछा है कि नर्मदा के दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दाएं तट से 19 नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें से है हिरन, है ना, लिंदोनी, हिरन ही है, हिरन इंग्लिश में भी इसे कहते हैं हिरन, लिंदोनी, आरना, चंद्रकेशर, मान, हथनी, ये सारी की सारी नदियां दाएं तट से आकर मिलती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बाद नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया अपवाह क्षेत्र कौन सा है। बताओ मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया किस स्टेट में है नर्मदा रिवर का अपवाह क्षेत्र। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है नर्मदा का, उसके बाद गुजरात का है, और उसके बाद महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका आंसर गुजरात ही होगा, गुजरात ही होगा। गुजरात की, आई एम सो सॉरी, गुजरात की जीवनदायिनी या गुजरात की लाइफलाइन, जीवन रेखा नर्मदा को ही कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया
महाराष्ट्र में है, तीन ही तो राज्य हैं जिन पर जिनसे नर्मदा गुजरती है, जहां पर बहती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नर्मदा कितने जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश में नर्मदा कितने जिलों से होकर गुजरती है बताओ। नर्मदा रिवर पासिस थ्रू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, 14, 15, 16 या फिर 19? अच्छा, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। चलो यहां पर अपने अपने आंसर्स पर फोकस करिए। कितने जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है? तो भाई टोटल 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है नर्मदा मध्य प्रदेश के अंदर। और टोटल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, कुल 15 जिलों से होकर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी गुजरती है। अब वो 15 जिले कौन कौन से हैं, चलो बताना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो जहां से निकलती है पहला जिला तो वही हो गया, ठीक है, अनूपपुर। और बताओ। हाँ, पहला अनूपपुर हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नर्मदा नदी नहीं गुजरती है, तो 15 है। और अगर मध्य प्रदेश पढ़ते हो, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो मैप याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा जिला कहाँ पर है, किससे होकर नर्मदा नदी जाती है, कौन सी नदी जाती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, 15 है। 15 में से पहला तो जहां से निकलती है अनूपपुर, अनूपपुर के अंदर है अमरकंटक। दूसरा जिला बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा है, जबलपुर। नहीं, एक एक लाइन से बताइए, जबलपुर आगे आएगा, अमरकंटक के बाद मंडला जाती है, ठीक है। मंडला के बाद डिंडोरी जाती है, ठीक है। डिंडोरी के बाद जबलपुर जाती है और जबलपुर के बाद कहां जाती है, नरसिंहपुर जाती है। बताओ नरसिंहपुर के बाद, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। नरसिंहपुर के बाद बताओ कहां जाती है, नर्मदापुरम जाती है, जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, नर्मदापुरम जाती है। उसके बाद ये जाती है रायसेन से भी होकर निकलती है नर्मदा रिवर। फिर जाती है ये हरदा, फिर जाती है कहां पर, हरदा। 15 में से 8 तो आपको याद हो गए होंगे, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम जिसे पहले होशंगाबाद कहते थे, ठीक है, रायसेन, और रायसेन के बाद हो गया हरदा। और बताओ, बताओ सीहोर, यस, सीहोर से भी होकर निकलती है सीहोर। फिर खंडवा, ये सब अगर मैप याद है ना तो ही आपको ये जिले याद हो पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। खंडवा के अलावा खरगोन, जिसे निमाड़, खंडवा और खरगोन को पहले निमाड़ कहा जाता था, इसके अलावा बारवा कौन सा हो जाएगा, धार। बारवा जिला कौन सा हो जाएगा, धार। बचे हैं 3, जल्दी से बता दीजिए वो 3 जिले कौन कौन से हैं, 3 जिले कौन कौन से हैं, अच्छा पिछले ऑप्शन में शायद आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र ऑप्शन में था, ठीक है, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़वानी, वेरी गुड। देवास, यस, बड़वानी, ठीक है, बड़वानी, और 14th है देवास, और 15th लास्ट बताइए, लास्ट है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर, कोई कंफ्यूजन,
ठीक है, सब बता दिया। अनूपपुर, ठीक है, सबसे पहले अनूपपुर से निकलती है, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, देवास, अलीराजपुर। 15 जिले हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद कहाँ जाती है? उसके बाद जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद जाती है गुजरात में, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गुजरात के अंदर आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किस रिवर के तट पर है? तो ये भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी नर्मदा रिवर के ही तट पर है, नर्मदा रिवर के ही तट पर है। और नर्मदा की जो सबसे बड़ी परियोजना है, नर्मदा का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे कहा जाता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये स्थित है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, तो क्या बताओगे? जल्दी से बताओ कि मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो ओवरऑल सबसे बड़ा है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है। मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलता है लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन सा है? नहीं, बैतूल नहीं है, बैतूल नर्मदा रिवर बैतूल से नहीं जाती है। शुभम, पन्ना, पन्ना कहां से आ जाएगा? पन्ना तो कहां पर है? पन्ना तो बुंदेलखंड में है। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? नहीं पता, नहीं पता तो जल्दी से नो कर दीजिए ताकि मैं बताऊं। नहीं मालूम? पुनासा डैम का नाम सुना है? खंडवा में है, जिसे इंदिरा सागर डैम बोलते हैं। जबलपुर प्रोजेक्ट थोड़ी ना है। नहीं पता, नोट करो, नोट करो, नहीं पता तो। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की जो सबसे बड़ी परियोजना है, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे कहा जाता है पुनासा डैम या पुनासा परियोजना। इसे ही इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आपने हनुवंतिया टापू का नाम सुना है? हनुवंतिया टापू जो कि खंडवा में है, हाँ खंडवा में है। तो ये जो हनुवंतिया टापू का जो वाटर है ना, जो जल है, वो इसका ही बैक वाटर है, पुनासा डैम का ही पृष्ठ जल है, जहां पर जल महोत्सव होता है, जनवरी में जल महोत्सव होता है। बहुत सुंदर सी जगह है। तो वहां पर जितना बड़ा एरिया, मतलब जितना एरिया में आपको वाटर दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, वो नर्मदा का ही है और इसी का बैक वाटर है पुनासा। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये खंडवा में है। खंडवा में एक और है ओमकारेश्वर, जहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, वहीं पर ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पुनासा डैम है। पुनासा प्रोजेक्ट या इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल बताऊंगी, अभी आपको मैं अलग से प्रोजेक्ट भी बताने वाली हूँ बाद में। हाँ, सारी परियोजनाएं बताऊंगी, सिंचाई विद्युत परियोजना जो भी है वहां पर इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, कितनी कैपेसिटी है खंडवा में और कौन कौन से हैं, या नर्मदा में जैसे बरगी है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट नर्मदा के अंदर चल रहे हैं, तो वो सारे बताऊंगी। लिख लिया कि नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में है। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पुनासा परियोजना, पुनासा प्रोजेक्ट या इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी नदियां बहती हैं बताओ? हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन मध्य प्रदेश? लगभग कितनी नदियां बहती हैं? आप सब लोगों ने इसका आंसर शायद पहले ही दे दिया है। कितनी नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश के अंदर? 207 आप लोगों ने पहले ही बता दिया है, छोटी बड़ी नदियां मिलाकर 207 नदियां टोटल बहती है। लेकिन आपको ये 207 नदियां नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट और बड़ी रिवर्स हैं,
जो बड़ी नदियां हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़नी है, ये 207 आपको नहीं पढ़नी। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज द मदरलैंड ऑफ रिवर? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। नदियों का मायका, बिल्कुल वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को मदरलैंड ऑफ द रिवर कहा जाता है क्योंकि यहां से बहुत सी नदियां निकलती हैं, और आपने देखा लगभग 207 नदियां यहां से निकलती है मध्य प्रदेश से, इसीलिए कहा जाता है नदियों का मायका। यस, चलो किस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात? चंबल, बेतवा, ताप्ती या नर्मदा? किस नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहते हैं? वेरी गुड, किस नदी को कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं। नर्मदा की सबसे बड़ी लंबाई मध्य प्रदेश में है, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है, उसके बाद गुजरात में है, गुजरात की भी सबसे बड़ी रिवर नर्मदा ही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वहीं पर है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी वहीं पर चल रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है। बाकी नर्मदा नदी के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी। हाँ, एक चीज और, नर्मदा जो नदी है, ये जो नर्मदा नदी है ये भारत की पांचवी बड़ी नदी है, भारत की पांचवी बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नोट कर लो, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर बहने वाली नदियों में इसका स्थान तीसरा है। सिर्फ बताती हूं इसका मतलब क्या है, सिर्फ भारत में बहने वाली नदियों में तीसरी पोजीशन है, तीसरी बड़ी नदी है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ओवरऑल मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, और सिर्फ भारत में बहने वाली नदियों में इसकी पोजीशन थर्ड है, तीसरी पोजीशन है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तो समझ आ गया, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है ये समझ में आ गया, सिर्फ भारत के अंदर बहने वाली, इसका मतलब ये है बहुत सी नदी है, जैसे हम बोलते हैं सबसे बड़ी नदी हमारे भारत की कौन सी है, गंगा है, लेकिन क्या गंगा नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है? क्या गंगा नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है? नहीं ना, ये निकलती है, बहुत सारी अलग अलग इसकी धाराएं हैं, निकलती है भारत में बहती है, और बाद में ये दूसरे नाम से चली जाती है बांग्लादेश, जहां पर ब्रह्मपुत्र भी आकर मिल जाती है। यानी सिर्फ भारत में नहीं बहती है गंगा, इसी तरह से यमुना की बात की जाए तो सिर्फ भारत में नहीं बहती है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें पूरे भारत की, जो कि भारत में बहती हो सिर्फ या फिर नहीं बहती, तो पांचवी पोजिशन है, लेकिन सिर्फ भारत में बहने वाली नदियों में गंगा काट दो, यमुना काट दो, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं काट दो, है ना, जो सिर्फ भारत में बहती है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां सिर्फ भारत के अंदर बहती है, भारत से ही निकलती है, भारत में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। नर्मदा भी उसी तरह से है, भारत के अंदर ही निकलती है और भारत के अंदर ही खत्म हो जाती है, मींस खंबात की खाड़ी में जाकर, तो फिर इस तरह से इसकी पोजीशन थर्ड है। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कोई डाउट हो तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई डाउट नहीं है ना? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, किस नदी को माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? वेरी सिंपल, बार बार आप यही पढ़ रहे हो, ओके, कोई डाउट नहीं है, बार बार आप यही पढ़ रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा धार्मिक आधार पर, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया?
अभी जस्ट मैंने आपको बताया नर्मदा ईस्ट से निकलती है और वेस्ट में बहती है, पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। बाकी लगभग सारी नदियों को आप देखोगे भारत की, या तो इस तरह से निकलती हैं, ठीक है, और इस मतलब दिशा में होकर बहती हैं। साउथ में जाओगे तो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो इधर से निकलती हैं और इधर ही बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि ईस्ट से निकलती हैं और वेस्ट में जाकर बहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है दिया गया नर्मदा, ठीक है, ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अगला है नर्मदा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। नर्मदा रिवर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। 5 3 2 1 5 3 2 1 बार बार पढ़ रहे हो आप, वेरी गुड। थ्री यानी कि तीन स्टेट से, तीन राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी कौन कौन से। पहला तो हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र और तीसरा हो गया गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीन स्टेट से, तीन राज्यों से होकर बहती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर स्थित है। सहस्त्रधारा वॉटरफॉल किस जगह पर है, वेयर इज सहस्त्रधारा वॉटरफॉल लोकेटेड। अमरकंटक, जबलपुर, खगौर या महेश्वर। वो खरगोन नहीं है, वो खगौर है। बताओ सहस्त्रधारा वॉटरफॉल, ये खरगोन नहीं है, ये खगौर है। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है महेश्वर, महेश्वर खरगोन के अंदर है और महेश्वर में, महेश्वर नर्मदा रिवर के तट पर स्थित है ना, नर्मदा रिवर के ही किनारे स्थित है और महेश्वर में ही है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है ये, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यस महेश्वर। चलो नेक्स्ट, दर्दी और मांधार जलप्रपात स्थित है। ये भी मैंने बता दिया पहले, मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ताकि आप बना पाए। मांधार एवं दर्दी या दर्दी एवं मांधार वॉटरफॉल कहाँ पर लोकेटेड है, अमरकंटक, महेश्वर, बड़वा या फिर भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट लिखा हुआ है, सी करेक्ट आंसर होगा। हंडिया और बड़वा के बीच में है, बड़वा जो कि है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर है, खरगोन, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है बड़वा, और इसी बड़वा में आपको दर्दी और मांधार, हंडी और बड़वा के बीच में, हालांकि बट ऑप्शन में बड़वा है तो बिल्कुल बड़वा सही आंसर है, बी नहीं। महेश्वर में तो सहस्त्रधारा है ना, हंडी और बड़वा के बीच में मांधार और दर्दी है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये है कहाँ पर, तो ये है बड़वा है खरगोन में, यस बड़वा है खरगोन में। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में नर्मदा नदी बहती है, ठीक वही उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी जो मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन आया था अभी। नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बताओ। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यस महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। अभी पता है नर्मदा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, याद रखिएगा दो एक्सप्रेस वे बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस वे होगा, उसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेस वे, और जो दूसरा होगा उसका नाम है चंबल एक्सप्रेस वे।
चंबल एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे को अटल प्रगति पथ भी कहा जाता है, अटल प्रगति पथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है ये ज्यादा बड़ा होगा और इसकी जो शुरुआत होगी वो छत्तीसगढ़ से होगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नर्मदा तो छत्तीसगढ़ से निकलती ही नहीं, लेकिन ये एक्सप्रेस वे कैसे छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ से स्टार्टिंग होगी इसकी, छत्तीसगढ़ के बाद ये मध्य प्रदेश में आएगा और मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां से नर्मदा होकर निकलती है वहां वहां से ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और लास्ट लास्ट ये गुजरात तक जाएगा। तो ये तीन राज्यों में जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है इसे बनाया जा रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर ये जो चंबल एक्सप्रेस वे है वो चंबल वाले इलाके में बन रहा है, यानी मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर और मुरैना वाला इलाका है वहां से स्टार्टिंग होगी इसकी चंबल एक्सप्रेस वे की। तो मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में जो आपका ये वाला नॉर्थ वाला रीजन है ये यहाँ से राजस्थान से भी टच होता है, उत्तर प्रदेश से भी टच होता है। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों ही स्टेट में जाएगा। तो दो एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के अंदर बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिनमें से बड़ा है नर्मदा एक्सप्रेसवे और दूसरा है चंबल एक्सप्रेसवे, जिसे अटल बिहारी जी के नाम पर अटल प्रगति पथ भी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि प्रदूषण के आधार पर, देखो आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन व्हाट इज द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज द गंगा रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, नर्मदा, काली सिंध, तवा या फिर बेतवा। तो धार्मिक आधार पर नर्मदा को कहते हैं, लेकिन जैसे गंगा नदी में पॉल्यूशन हो गया है वैसा ही पॉल्यूशन मध्य प्रदेश के अंदर एक नदी में हो गया है जिसका नाम है बेतवा। तो बेतवा नदी को पॉल्यूशन के बेसिस पर, पॉल्यूशन के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा रिवर की अगर बात की जाए तो ये रिवर जो है ये निकलती है रायसेन से। रायसेन में एक गाँव है जिसका नाम है कुमरा गाँव। तो रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा रिवर, बेतवा नदी निकलती है और इसे पोल्यूशन के आधार पर क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। जब आपने सांची के स्तूप का नाम सुना होगा, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये मध्य प्रदेश के अंदर। सांची का जो स्तूप है ये भी बेतवा रिवर के ही किनारे स्थित है। इसके अलावा ओरछा का नाम सुना होगा, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ओरछा भी बेतवा नदी के ही तट पर है। विदिशा भी बेतवा के ही तट पर है। तो पूछा जाता है कि सांची किस नदी के किनारे है, तो बेतवा के किनारे। ओरछा किसके तट पर है, तो बेतवा के तट पर है। इसके अलावा विदिशा किसके तट पर है, तो बेतवा के तट पर है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ। महाभारत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महाभारत, सूर्य भगवान की पुत्री किसे कहा जाता है, कौन सी ऐसी नदी है जिसे सूर्य पुत्री कहा जाता है, सूर्य भगवान की डॉटर, सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है, चंबल, तवा, ताप्ती या नर्मदा, किसे कहा जाता है, सूर्य भगवान की पुत्री। यस, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने बताया। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जिसे महाभारत में सूर्य पुत्री भी कहा गया कि सूर्य भगवान की पुत्री है। ताप्ती की बात की जाए तो ताप्ती नदी निकलती है बैतूल से। बैतूल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मुलताई। बैतूल की मुलताई पहाड़ी से निकलती है और ये भी एक ऐसी नदी है जो कि पूर्व से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और अपने मुहाने पर डेल्टा ना बना करके क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है और रिफ्ट वैली में बहती है, ब्रंज घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदियां हैं पूरे भारत की जो कि पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं, अपने मुहाने पर डेल्टा ना बना करके ऐश्वरी बनाती हैं और रिफ्ट वैली में बहती हैं। दोनों ही नदियां गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नदियां निकलती हैं। अब ये तो आंख बंद करके आप बता सकते हो, नदियों का मायका, मदरलैंड ऑफ द रिवर कहा जाता है मध्य प्रदेश को। करीब 207 नदियां यहां से निकलती हैं। तो नदियां, हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा और इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करके आप अपना आंसर बता सकते हो।
चलो नेक्स्ट आ जाओ, अमरकंटक श्रेणी से है ना, अमरकंटक रेंज से कौन सी दो नदियों का उद्गम होता है, कौन सी दो नदियां निकलती हैं अमरकंटक श्रेणी से, नर्मदा सोन, चंबल बेतवा, काली सिंध, खान बाण गंगा या फिर शिप्रा। इसका भी आंसर आप लोग चुटकियों में दे सकते हो। ऑफ कोर्स ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं अमरकंटक रेंज से। इसके अलावा एक और नदी है जोहिला, जोहिला नदी भी कहां से निकलती है, अमरकंटक रेंज से ही निकलती है। ठीक है, तो कहां से निकलती है, कहां जाती है दोनों नदियां, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी तो बहुत सारी नदियां बची हुई हैं, कभी टाइम मिला, मौका मिला तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल पढ़ाऊंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर समय का थोड़ा अभाव रहता है ना, तो मैं आपको पूरी डिटेल में नदियां ऐसे बता दूंगी, मैप बनाऊंगी, कुछ लिखूंगी नहीं, सिर्फ मैप से पढ़ा पढ़ा के, मैप को दिखा दिखा के आपको सब कुछ याद करवा दूंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अपना टाइम भी हो चुका है समाप्त। ठीक है, अगला जो सेशन होगा उसमें आपको पढ़कर आना है। अच्छा, मैंने आपको वर्क भी दिया था शायद कि आपको नदियां पढ़ के आनी है, और आप लोगों ने शायद आज पढ़ा होगा, तभी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आपने दिया है। अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी क्लाइमेट की, जहां पर मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की बात करेंगे और मध्य प्रदेश के पर्वतों की, मध्य प्रदेश माउंटेन्स की बात करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग मध्य प्रदेश के पर्वतों को एक नजर पढ़ के आइएगा और मध्य प्रदेश के माउंटेन्स को पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो होमवर्क क्या है, अगले सेशन में कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक के, तो क्लाइमेट के और माउंटेन्स के, मध्य प्रदेश की जलवायु के और मध्य प्रदेश के पर्वतों के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस यहीं पर सेशन को एंड करते हैं, और आप सभी लोगों, हाँ आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है, और शायद अभी तक हमारी जितनी क्लास हुई है सबसे बेस्ट क्लास मेरे हिसाब से आज रही, क्योंकि सभी के क्वेश्चंस बहुत ही, उन जवाब जो है क्वेश्चंस के बहुत ही शानदार तरीके से आए हैं। आप लोगों को मैंने बोला भी है कि किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो, अगर लग रहा है कि ये फैक्ट मैम ने जो पढ़ाया है वो हमने कभी नहीं पढ़ा या हमें लिख लेना चाहिए, तो प्लीज़ उसे नोट डाउन ज़रूर कर लिया करो, लास्ट मोमेंट पर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, कल क्या, जब भी हमारा सेशन होगा, जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम क्लाइमेट और माउंटेन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।